जीन प्रून्स। नेक्स्ट जो जोग्राफर है वो है जीन प्रून्स, ये विडाल डीला ब्लाश के ही शिष्य थे और ये भी फ्रेंच जोग्राफर थे। इनकी पुस्तक ज्योग्राफी यूमेन 1910 में प्रकाशित हुई, जो एक काफी अच्छी पुस्तक मानी जाती है ब्रून्स द्वारा लिखी। इनका ये मानना था कि जो मानव भूगोल है उसमें हमको इन चार फैक्टर्स को ध्यान में रखकर अध्ययन करना चाहिए। इनका जो सबसे पहला पॉइंट था वो था अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग। हमको ये पता है कि मानव जो है उसने छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े नगरों का विकास किया है और आज विश्व में हम जितने भी नगर या गांव या छोटा सा कस्बा भी उसका भी अध्ययन करेंगे तो वो अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ सॉइल के अंतर्गत आता है। अर्थात मानव ने अपने पर्यावरण के अनुसार डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टाइप ऑफ निवास स्थल बनाए हैं। आप देखते हैं कहीं पर आपको कच्ची झोपड़ी मिलेगी, कहीं आप देखते हैं पेड़ों पर मानव रह रहा है। आज भी आपका जो इक्वेटोरियल रीजन है, पिग्मीज हैं, वो आज भी पेड़ों पर अपना बसेरा करते हैं। दूसरी ओर आपकी मल्टी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, हाई स्क्राइपर्स बन चुके हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आपके मिट्टी का अनुपजाऊ उपयोग माना है जीन प्रून्स ने। आपके नगरों का विकास हुआ, आपके शहरों का विकास हुआ, आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज बन चुकी हैं। तो ये जितना भी हम मिट्टी पर अपने घर या मानव अपने रहने के जो निवास स्थान बनाता है उनका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। दूसरा इनका मानना था कि कृषि और पशु पालन, यह दोनों भी आपके ह्यूमन ज्योग्राफी के ही पार्ट है, क्योंकि हमको पता है मानव जो है उसने सबसे पहले कृषि ही शुरू करी है, तो उसके लिए उसने मिट्टी का उपयोग किया, उसने लैंड का यूज किया है, वह जानवरों को भी पालता है लेकिन अपने पर्यावरण के साथ एक सामंजस्य बैठाते हुए। जहां पर जिस तरह का वातावरण या जिस तरह की जलवायु पाई जाती है, जिस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, वहां पे वह उसी प्रकार की कृषि और पशुपालन करता है। डेयरी फार्मिंग आपको पता है सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है न्यूजीलैंड या आपके नॉर्वे, नीदरलैंड, डेनमार्क साइड, क्यों, वहां का जो टेम्परेचर है वो कैटल रेयरिंग के लिए अच्छा है, इसलिए वहां पे पशुपालन अधिक होता है। तीसरा इन्होंने माना था डिस्ट्रक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ सॉइल। अभी डिस्ट्रक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ सॉइल क्या है, मानव ने सड़कों का निर्माण किया है, वह भी डिस्ट्रक्टिव में माना गया है इनके द्वारा। और दूसरा इनका ये कहना है कृषि के लिए और पशुपालन के लिए मानव ने कई स्थानों पर अधिक उपजाऊ भूमि को भी अनुपजाऊ बना दिया है, उसने वहां पे प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहा है तो वह उसका डिस्ट्रक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ सॉइल हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ सॉइल में सबसे ज्यादा जो मानव कर रहा है वो है रिसोर्सेस या खनिजों का दोहन। इसीलिए खनिज जो आपके माइनिंग हो रही है उसको रॉबर इंडस्ट्री भी कहा गया है, क्यों, क्योंकि हम मिनरल्स को अथाह रूप में निकाले जा रहे हैं और जबकि हमको ये पता है इन मिनरल्स का जो निर्माण होता है वो करोड़ों वर्षों में जाकर होता है। इसलिए इनका कहना है कि जो डिस्ट्रक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ सॉइल है वह भी मानव भूगोल का ही एक हिस्सा है। अदर्स में इन्होंने लिया है जनसंख्या को, जनसंख्या के साथ साथ जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या की ग्रोथ या वृद्धि, इसके बाद आपका मानव पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी ह्यूमन फैक्ट्स हैं वो सब भी इसके अंतर्गत आते हैं। मानव की राजनीतिक, मानव का ऐतिहासिक, मानव का कल्चरल या सांस्कृतिक, मानव का आर्थिक, मानव का इकोनॉमिकल, मानव के आपका पॉलिटिकल, ये सब तथ्यों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। इन सब का अध्ययन भी हम मानव भूगोल में करते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपनी किताब, अपनी पुस्तक में ये सब चीजें बताई हैं कि इन सब चीजों को मानव भूगोल में देखा पढ़ा जाता है। अर्थात मानव भूगोल को पढ़ने के लिए इन सब फैक्ट्स को हम, इन सभी फैक्ट्स का हम अध्ययन करते हैं।
तो ये हुआ कि हम जो मानव के बारे में अध्ययन करते हैं उसके पर्यावरण को भी साथ में हर जगह हम लेकर चले हैं, क्योंकि पर्यावरण के बिना मानव अधूरा है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत जीन ब्रूम्स के अनुसार मानव उसका चाहे कंस्ट्रक्टिव यूज कर रहा है पृथ्वी पर धरती पर, या डिस्ट्रक्टिव यानी कि चाहे वो अनुपजाऊ कार्य कर रहा है चाहे उपजाऊ कार्य कर रहा है, इन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। तो जीन ब्रूम्स ने आपको यही अपनी पुस्तक में भी यही बताया है और अपने ह्यूमन ज्योग्राफी के जो फैक्ट्स दिए हैं उसमें भी इन्होंने इन चार तथ्यों को इम्पोर्टेंस दी है और यही समझाना चाहा है कि मानव का जब हम अध्ययन करेंगे हम प्राकृतिक भाग को अलग नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक प्लस मानव मानवीय दोनों तथ्यों का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा जो जीन ब्रूम्स थे उन्होंने पार्थिव एकता और चेंजिंग जो रूल्स हैं हमारे, अर्थात जो हमारे परिवर्तन होते रहते हैं, इन दोनों का आपसी जो अंतर संबंध है उसी का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। हमें ये पता है कि मानव जो है वो जो प्राकृतिक बदलाव आते हैं या जो उसके वातावरण में चेंजेस आते हैं वह उनका उल्लंघन नहीं कर सकता है, लेकिन वो इतने भी सीमित नहीं होते हैं कि मानव में इतनी शक्ति ना हो कि वह उसमें से काट छांट कर सके। अर्थात मानव जो है वो बिल्कुल एक तरह से इतना केंद्र बिंदु होते हुए भी वह काट छांट की प्रक्रिया को अपनाता है, वह बदलाव को अपनाता है, लेकिन उसमें वह अपने अनुसार या अपनी नीड्स के अनुसार उसमें चेंजेस ला सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर देख लें, अगर वहां पर कृषि योग्य भूमि नहीं है तो मानव अगर वहां पे कोई खनिज प्राप्त हो रहा है तो वह वहां पर उद्योगों की स्थापना कर सकता है। तो इस प्रकार से हम यह मान सकते हैं कि जो मानव है वह केंद्र बिंदु होते हुए अपने आसपास के वातावरण में हर तरह के बदलाव लाने की क्षमता रखता है, अब परंतु वह वातावरण के उन भौतिक दशाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता है या उनको बिल्कुल अलग नहीं कर सकता है, उसको उसी में बदलाव लाकर अपने लिए उनको उपयोगी बनाना पड़ता है।